हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, बैंगन का भरता। भरता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के बैंगन लिए हैं, जो पर्पल कलर में होते हैं। ग्रीन कलर वाले बैंगन हमें नहीं लेने हैं, लंबे साइज के। और कुछ टमाटर लिए हैं। सबसे पहले मैंने बैंगन में लगा लिया है मस्टर्ड ऑयल, और टमाटर में भी। इन दोनों में मैंने तेल लगा के हल्का सा छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने बैंगन में हल्का सा चीरा लगाने के बाद उसके अंदर कुछ लहसुन की कलियां ऐड की हैं, और सेकंड बैंगन के अंदर मैंने कुछ हरी मिर्च ऐड किए हैं। हम जब बैंगन को गैस पे भूनेंगे तो उसके साथ साथ हमने इसके अंदर बैंगन के अंदर ये चीज़ें ऐड की है, तो साथ में ये भी भून जाएंगी, तो इसका टेस्ट बैंगन के भरते में बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गोल साइज के बैगन लिए हैं, आप देख सकते हैं पर्पल कलर के। अब इनका मैं अच्छे से छिलका रिमूव कर लूँगी, आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आप बैगन का छिलका हटा लीजिएगा, पर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक रहेगा क्योंकि ये मैंने आग में जलाए हैं, गैस पे नहीं जलाया है मैंने इन्हें। इस तरीके से मैं इनका पूरा पील हटा लूंगी। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो लहसुन की कलियां थी वो भी मैंने निकाल के मैश कर दी है इसी बैगन के साथ, और मिर्च को हटा लिया है। मिर्च मैंने इसलिए हटा लिया है ताकि बच्चे छोटे हैं तो वो मिर्च नहीं खाते हैं। आप मिर्च जरूर डालिएगा। मैं आपको दिखाना भूल गई, मैंने लहसुन की कलियां निकाल के उन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे टोमेटो लिए हैं दो, इन्हें भी मैं ऐसी गैस पर जला लूंगी। इनको भी हम भरते के संग मैश कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ लौंग इलायची ली हैं। अब मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, और तेल गरम होने के बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा और प्याज। लहसुन तो हमारा पक चुका था इसलिए मैंने इसे यहाँ पे ऐड नहीं किया है, हम उसे भरते के साथ ही ऐड करेंगे। अब हम प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज अच्छे से हो जाने के बाद इसे हम गोल्डन कलर से थोड़ा ज़्यादा फ्राई करेंगे। प्याज को अच्छे से हो जाने के बाद मैं इसमें एक टुकड़ा डालूंगी अदरक का, कस के मैं इसे कद्दूकस में कस लूंगी। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। प्याज थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी बैंगन और टमाटर और लहसुन, जो मैंने सब मिक्स कर लिया है उसको मैं इसमें अच्छे से मैश करूंगी। इसमें टोमेटो और लहसुन भी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली, यानी कसूरी कश्मीरी लाल मिर्च कलर वाली।
आप लहसुन और मिर्च बैगन के अंदर भर के उन्हें गैस पे जलाइएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें बैगन में। सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई थी क्योंकि बीच में मेरे हस्बैंड ने आके अपनी कलाकारी दिखा दी। उन्होंने बैगन के साथ ही मैश कर दिया था लहसुन। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, इसको भी मैं अच्छे से मैश करूंगी, सॉरी मिक्स करूंगी। बगैर लाल मिर्च के भी ये भरता काफ़ी सुंदर दिख रहा है देखने में। अब मैं इसमें लाल मिर्च ऐड करूंगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये कश्मीरी लाल मिर्च है कलर वाली, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं बट इसे डालने से भरते में कलर अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स हमारा भरता बनके तैयार है। अब मैंने यहाँ पर गार्निशिंग के लिए हरा धनिया ऐड किया है इसमें। तो फ्रेंड्स हमारा भरता बनके तैयार है। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो एंजॉय कीजिए आप नृत्य को।